हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हियर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि होममेड ऑर्गेनिक स्क्रब कैसे बनाएं। ये स्क्रब फ्रूट का है एंड होममेड है और ये पिंपल्स से रिलैक्स मिलेगा, ग्लो स्किन होएगा तो, और आपका क्लीनअप में यूज होएगा। बहुत सारे ऑप्शनल है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए राइस और टी ट्री ऑयल और ऑरेंज चाहिए। तो ऑरेंज हम लेंगे छिलके के साथ पीसेस में काट के, और राइस कोई भी वाइट राइस चाहिए तो कोई भी आप राइस यूज कर सकते हैं, क्योंकि राइस स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और वो हमारे स्किन को काफ़ी प्रोटेक्ट और ग्लो देता है। तो उसे हम स्क्रब में बना के यूज करेंगे। और ट्री ट्री ऑयल जो होता है हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करेगी और काफ़ी बेनिफिट दे देगा। तो हमने यहाँ पे और हाफ ऑरेंज लिया है, हाफ ऑरेंज काट के पीसेस में लिया है, छिलके के साथ हम लेंगे। ये हमारे स्किन को गोल्डन फेशियल के तौर पे देगा। और हमने वाइट राइस लिया है और टी ट्री ऑयल लिया है। सो टी ट्री ऑयल मीन्स चाय का तेल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमें आगे क्या करना है, आपको इसे ध्यान से देखना है और हमारे वीडियो को देखते हुए फॉलो करना। हमें कोई मिक्सर जार यानी छोटा जार लेना है, बहुत छोटा जार चाहिए क्योंकि थोड़े क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से चाहिए। उस जार के अंदर हम पहले हम अपना सारे चीज उसमें डाल देंगे। सो ऑरेंज राइस और हम टी ट्री ऑयल भी डालेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना डालना है टी ट्री ऑयल, ऑरेंज तो हम छिलके और ऑरेंज के साथ लिए इसलिए ये हमारा पेस्ट बनने में इजी रहेगा। 1 to 2 टीस्पून हमें टी ट्री ऑयल यूज करना है, जितने में हमारा पेस्ट बन के रेडी हो जाए। हम पहले 1 टीस्पून ले रहे हैं, जरूरत लगेगा तो 1 टीस्पून हम और ही डालेंगे। सो फ्रेंड्स, इसे आप बस पेस्ट बना दीजिए, मिक्सर अच्छी तरह से चलाइए, पेस्ट बनाइए। बस ये स्क्रबिंग जैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाना है, स्क्रब जैसे दिखे। देखिए जैसा हमारा दिख रहा है ऐसे ही आपको भी बनाना है। ये स्क्रब आपके स्किन को एकदम गोल्डन फेशियल जैसा लुक देगा, आपकी स्किन पे पिंपल्स नहीं आएंगे और आपकी स्किन ग्लो होएगा, स्मूथ शाइन होएगा और आपका डार्क स्पॉट भी चला जाएगा, बिकॉज ये ऑर्गेनिक और फ्रूट का और राइस का है, ऑर्गेनिक होममेड स्क्रब है। तो बाहर से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स है इस स्क्रब का, बट थोड़ा हमें प्रोसेस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो देखिए बनाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। आप कोई भी कंटेनर लीजिए, कंटेनर कांच का होना चाहिए हमेशा। जब भी इस स्क्रब में स्क्रब को भरिए तो आप कांच के जार में भरिए, और कांच के जार में भर के आप फ्रिज में 10 से 15 दिन आप भर के रख दीजिए और यूज करिए। बनने के बाद देखिए ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स। तो आप 10 से 15 दिन भर के रखिए और यूज करिए, और इसे क्लीनअप फेशियल स्क्रबिंग बहुत सारे उपयोग में आएगा। तो आपकी स्किन काफ़ी ग्लो रहेगा, रात को सोने के पहले आप स्क्रब कर सकते हैं, और पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो स्क्रब करके आप स्टीम ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, पहले भी मैंने कर चुकी हूँ और इसके बाद भी मैं शेयर करूँगी कि इस स्क्रब से कैसे आप स्क्रबिंग करें। मैं इसके पहले भी एक स्क्रब का शेयर की हूँ, उसका भी वीडियो मैं डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रब को आप रख सकते हैं, बस हमें 3 चीज़ों से बनाना है स्क्रब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।